2016 रियो में उस लड़की ने गोल्ड मेडल लाया था और उससे मैंने टक्कर की उससे चलाई थी, जापान की वो लड़की थी। जब भी मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला तो एक इंसान की क्षमता होती है सहने की। हम सब घर में बैठ के सब रोए कि पापा ये सब क्या हो रहा है, आप बोलते थे कि इतना प्रोत्साहन मिलता है, ये मिलता है, क्या मिल रहा है? आज तो आज हम ऐसे ही लोअर में कपड़ों में बैठे हैं, हमारे पास ढंग के कपड़े नहीं है पहनने को, खाने को ढंग से आज भी खाना नहीं है हमारे पास, ये सब क्या हो रहा है? तो तब मेरे पापा ने कहा कोई बात नहीं, हम यूपी से लड़ेंगे। तो तब हम यूपी में गए और यूपी ने मुझे 2018 से मैंने यूपी में लड़ना स्टार्ट किया था, 2017 के लास्ट में लड़ना स्टार्ट किया था, 2018-19 में मुझे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का अवार्ड दिया। 2-3 साल के अंदर ही उन्होंने मुझे रानी लक्ष्मीबाई का अवार्ड दिया और 2020 में मेरी स्थिति देख के उन्होंने आजीवन मेरी पेंशन बांधी है 20,000 रुपए। और कल ही उन्होंने मुझे घोषणा करी जो बच्चे कॉमनवेल्थ में से ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं, गोल्ड लाए, सिल्वर लाए हैं, मुझे 50 लाख रुपए और रजिस्टर्ड ऑफिसर की नौकरी का वादा किया है। तो आप ये बताइए मैं सिर्फ 2-3 साल से यूपी से लड़ रही हूँ, वो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ने मेरी हेल्प क्यों नहीं करी है? हरियाणा के बच्चे, मैं आपको बताऊँ, मेरे ट्विटर पे आप योगेश्वर दत्त जी की ट्वीट देखिएगा, उन्होंने बताया है कि मैं खुद हरियाणा में होके दिल्ली में रहता था, तब मुझे दिल्ली सरकार ने भी मदद करी है और मेरी हरियाणा सरकार ने भी मदद करी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि मैंने खुद सुशील कुमार को, साइना नेहवाल को और एक हरिंदर लड़का है उनको मैंने खुद पैसे दिए और उन्होंने दिल्ली से भी पैसे लिए और हरियाणा से भी पैसे लिए। रवि दहिया जो कि हरियाणा में रहता है, हरियाणा का रहने वाला है पर वो रहता दिल्ली में है, लड़ता दिल्ली से है, उसके बाद भी हमारे दिल्ली सरकार ने उसे 1 करोड़ रुपए की राशि दी और दिल्ली में ही उसको नौकरी दी है, पर उसको हरियाणा वाले भी पैसे दे रहे हैं। तो ये बताइए, मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही कि मुझे पैसे दो, भीख नहीं मांग रही हूँ किसी से, मैंने मेहनत करी है, रात रात को जाग के ट्रेन में गए, मेरी माँ बाप मेरे सामने रोते थे कि कोई बात नहीं, सुबह का घी भी आएगा और दूध भी आएगा, तू बस पहलवानी कर, सब कुछ मिलेगा तुझे, उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है और मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उनके पास खुद गई 2017 मेरे पास 18 में, मैंने कहा सर मैं कोई मीडिया के पास नहीं गई हूँ पहले, ना मैं किसी अखबार वाले को कह रही हूँ पहले, मैं आपसे मिलना चाहती थी। मैंने पता नहीं कितने मीडिया वाले से या कितने ही सर से कहा कि मेरी अरविंद केजरीवाल जी से बात कराइए, उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट मिलनी बहुत मुश्किल है। मैंने कहा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे उनसे मिलना है पहले, उन्होंने कहा ठीक है। 2018 में उन्होंने उनसे मेरी अपॉइंटमेंट करवाई तो मैंने उनको सारी बात बताई कि सर मैं एक गाँव से निकली हुई हूँ और मेरे पापा के एक और भाई है, मेरे पापा के माँ बाप भी है, उनका खर्चा भी मैं ही चला रही हूँ और मेरे घर का खर्चा भी मैं ही चला रही हूँ, हमारी ना किसी की सरकारी नौकरी है ना कोई पहलवानी में आगे बढ़ पाया, सिर्फ मैं अकेली बढ़ पाई हूँ और मैं ही सबके लिए सब कुछ हूँ। और सर मेरे इतने सारे मेडल है तब भी मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है और अगले महीने एशियन गेम्स है तो आप मेरी मदद करिए। उन्होंने कहा कि कैसे मदद हो सकती है तुम्हारी? मैंने कहा सर बादाम प्रोटीन अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है, मैं ना कुछ पीती हूँ, जो मुझे मिलता है मैं वही पी लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप किस चीज पे लिख के दो, मेरे पास वो कागज भी है, मैंने लिख के दिया कि इस चीज की जरूरत है, सिर्फ मुझे एशियन गेम्स तक सबसे पहले हेल्प करिए और अगर आपको मेडल आया तो आप मेरा सम्मानित कीजिएगा। उनका कोई भी ईमेल नहीं आया मेरे पास, कोई भी मैसेज नहीं आया, कोई भी फोन नहीं आया, हमने 2-3 बार फोन किया, उन्होंने कहा मदद होगी, मदद कब होगी? तब एशियन गेम्स में मेडल आ गया तब वो मुझे बुला रहे हैं वहाँ पे कि सारे बच्चों को परेशान करिए, आपने बहुत अच्छा किया है और आप सब मेडल लाए हैं, मुझे अब क्या जरूरत है? और उसके बाद भी उन्हें मेरी ये बात इतनी लगी कि इस लड़की ने सबके सामने ये वाली बात क्यों कही कि मैंने इनसे पहले ही मदद मांगी थी। उन्होंने मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, कोई राशि नहीं दी, कोई भी मेरे घर पे नहीं आया कि दिव्या आपने सबके सामने ये सब बोला है, आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए जब आपने इतनी हिम्मत करी है बोलने की। मुझे कुछ उसके बाद भी कुछ नहीं दिया गया। और उससे भी बड़ी बात, आज सब कितने ट्वीट कर रहे हैं कि देश के लिए लड़ते हैं पैसा कौन मांगता है, जब हम गरीबी में पहलवानी करते हैं हमारे पास सब्जी भी नहीं होती है, हम रोटी खाते हैं सिर्फ, उसमें हम पहलवानी करते हैं, पहलवानी ऐसी चीजें 2-2 हजार उठे बैठी मारते हैं, कंधे दुखते हैं, चोट लगती है, 2016 में पैर में चोट लगी थी किसी ने मदद नहीं करी। हरीश चौधरी भाई है, हमारे पास जिम के पैसे भी नहीं होते थे, 2014 की बात है, तब मैंने इनसे कहा कि अब कुश्ती तो करते हैं हमें पर लेकिन हमें जिम की भी आवश्यकता है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं तुम हमारे पास करो, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी। 2016 में मेरे पैर में चोट लगी, किसी ने कोई खर्चा नहीं दिया, उन्होंने 1 लाख रुपए मुझे दिए और वो मुंबई गए अपना इलाज कराने।
उन्होंने इतनी मदद करी, अगर वो ना होते तो मैं तो पैर को लेकर पड़ी रहती एक डेढ़ साल तक। ये बताइए, कोई ना कोई हेल्प करने के लिए, वो तो थोड़ा बहुत मुझे इधर उधर से हेल्प मिलती रही, इस कारण मेरा आज मैं यहाँ पे आपके बीच में भी हूँ। अगर मुझे हरीश भाई मेरी हेल्प ना करते तो आज मैं कहाँ होती। और 16 में भी मैंने कहा था कि ना कोई स्पॉन्सर है ना कुछ है, मेरे पैर में चोट लगी, कोई मेरा इलाज कराया, पर किसी ने कोई इलाज नहीं कराया। तब हरीश चौधरी भाई ने मेरा इलाज कराया था और ये कहा था कोई बात नहीं, तुम आगे मेहनत करो, जितना मेरे से होगा मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। तो कभी सप्लीमेंट दे दिया, कभी घी दे दिया, कभी दूध दे दिया, कभी प्रोटीन दे दिया, इन सब से उन्होंने मेरी हेल्प करी। अब मेरे भाई की भी हेल्प कर रहे हैं वही, क्योंकि अब तक तो मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है। तो हम अमीर तो हुए नहीं है कि हमारे लग्जरी लाइट गाड़ी खड़ी, हमारे पास बंगला खड़ा है, हमारे पास आज भी हमारे पास सिलेरियो गाड़ी खड़ी है जो 2017 मिली थी, 5 साल से हमारे पास है। मैं देश के लिए इतने मेडल तो ला पाई, पर लेकिन दिल्ली का दिल नहीं जीत पाई मैं, दिल्ली सरकार का दिल नहीं जीत पाई मैं। तो अब बताइए कि मेरी गलती कहाँ पे है, और मेरी मैंने इतनी मेहनत करी आज यहाँ तक पहुंची, मेरे पिताजी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करी है, मैं तो सिर्फ अपनी बात ही रख रही हूँ, आप सब तो इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। बताइए, और रेलवे से मैं लड़ती हूँ तो अब मैं यूपी की हूँ, मैं रेलवे से लड़ सकती हूँ, मैं रेलवे लड़ रही हूँ तो तब भी मुझे यूपी इतना प्रोत्साहन कर रहा है, तब भी मुझे यूपी इतना दे रहा है। तो ये नहीं है कि किसी खिलाड़ी को अगर वहां तक पहुंच गया उसको राजनीति में फंसाए और उसके पहलवानी बंद करवाए, उसके साथ इतना उसको टॉर्चर कर दे, कुछ कह कह के, कुछ उसको सुना सुना के, हमने तो ऐसे नहीं किया था ऐसे करो। और लोग मेरे से कह रहे अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, मेरे यहाँ सी नहीं लिखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ या मैं किसी से मांग नहीं रही हूँ, मैंने सर्टिफिकेट भेजे अपने, उसके बाद उन्होंने कौन सी मेरी हेल्प कर दी, उन्होंने कौन सा मुझे कुछ बोला। हाँ दिव्या धन्यवाद, हमें लग रहा था कि तुम झूठे हो इसलिए हमने तुमसे सर्टिफिकेट मांगे, मैंने सर्टिफिकेट भी दे दिए, उसके बाद भी मुझे उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर जब वो और बच्चों के लिए कर रहे हैं तो वो मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। आप लोगों कोई क्वेश्चन है तो आप बोलिए। अरविंद केजरीवाल से जब आपकी मुलाकात हुई, आपने वन टू वन मुलाकात की थी? हाँ जी, फेस टू फेस। मुलाकात के बाद कोई मदद नहीं पहुंची? कोई मदद नहीं पहुंची, ये रहा उनका लिख कर दे। और मेरे पास फोटो भी है उनसे मिलते हुए का, मेरे पिताजी गए थे, मेरा बड़ा भाई गया था, उनसे हाथ मिलाते हुए का फोटो है। तो तब मैंने उनसे कहा था कि सर मुझे हेल्प की जरूरत है, उन्होंने कहा आप लिख के दीजिए, हम एकदम ऐसे नहीं कर पाएंगे, राशि वगैरह नहीं दे पाएंगे, हम आगे बात पहुंचाएंगे और हम आपकी हेल्प करेंगे, आप लिख के दीजिए। मैंने लिख के दिया था उनको। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार में पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का दावा करते हैं और आप इतनी संघर्ष भरी कहानी अपना बता रही हैं, क्यों आपको कोई मदद नहीं पहुंचा, क्यों मदद नहीं किसी का? 2018 में आपने देखा है कि क्या हुआ है, क्योंकि आपने मैं भी न्यूज चैनल देखती हूँ, मैं भी सब कुछ देखती हूँ, मुझे नहीं लगता जितना मैं बोल पाई हूँ, जितना मेरे साथ भेदभाव हुआ है, मैंने सीधा डायरेक्ट बोल दिया, कोई भी रेसलर, कोई भी खिलाड़ी या जहाँ तक आज मैं पहुंची, कोई किसी ने भी ऑब्जेक्शन उठाया हो, मैं ही अच्छी लड़की हूँ जिसने ऑब्जेक्शन उठाया है, मैं ही बोलने वाली अच्छी लड़की हूँ जिसने ऑब्जेक्शन उठाया है। और जो इस लेवल पे भी आके अपने भविष्य की चिंता ना करके, क्या पता कल को क्या होए क्या ना होए, इतनी मेहनत करके आज यहाँ तक पहुंची हूँ, न्याय मिले ना मिले अभी मुझे कोई भरोसा नहीं है। 2017 के बाद क्या आपने दिल्ली सरकार को भी मदद मांगी थी अपनी तरफ से, अगर वो अनदेखा कर रहे थे उसको? हाँ जी, 2017 में मेरा एशिया में मेडल आया था, तो उसकी जैसे राशि अगले साल सबको मिलती है, जैसे राशि अगले साल मिलती है तो उसकी राशि नहीं दी गई थी। और छत्रसाली स्टेडियम में उसका वो है हमारे पास प्रूफ, छत्रसाली स्टेडियम में जब गए थे तो उसका प्रूफ ले गए थे कि 2017 में जब मैं सीनियर नेशन चैंपियनशिप खेली तो उसकी राशि मुझे अब तक नहीं मिली है, तो आप वो दीजिए। और सबसे बड़ी बात, 2018 में जब मैंने इतना कुछ बोला कि चलो जो हुआ सो मेरे साथ हुआ, आप पैसे बढ़ाइए, आप बच्चों के लिए पॉलिसी निकालिए, दिल्ली के लिए कुछ करिए, जब जाके हुआ है ना कि 2017 के पहले से था, आप उस पे देखिए कि दिल्ली में जो भी खिलाड़ियों के लिए हुआ है वो 2018 के बाद हुआ है, वो पहले नहीं हुआ है कुछ भी। नहीं, मैंने आपको बताया कि मैंने जब मैंने उनसे पहले हेल्प मांगी तो उन्होंने पहले हेल्प नहीं की, जब मैंने 2018 में सबके सामने वो चीज बोली तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें वो चीज बुरी लगी। पर लेकिन मैं अब भी मेरे से कितने मीडिया वालों के सवाल हुए, जवाब हुए, अखबार वालों ने न्यूज मांगी, तो अब भी मुझे लगता है कि क्या पता वो अब ये चीज बोले कि हाँ उस टाइम पे हमारे आप ध्यान में नहीं आए या हम देख नहीं पाए या
हमारे से गलती हुई है, हम आपको अब प्रोत्साहन करना चाहते हैं, हम अब आपको सम्मान देना चाहते हैं। अब भी मुझे उम्मीद है उनसे कि वो, क्योंकि अब तो सब कुछ उनके सामने आ चुका है। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार हर साल 100 एथलीटों को 16 लाख रुपए ऐसा देती है, तो वो ये दावा कर रहे हैं, तो आपको क्यों मदद नहीं दे रहे, तो क्यों व्यक्तिगत कुछ निशाना आपको बनाया जा रहा है? ये जो प्रोमिस कर रहे हैं 2018 के बाद के सारे प्रोमिस, क्योंकि मैं दिल्ली में 2017 तक रही हूँ। आप रिकॉर्ड चेक करिए इंटरनेट पे, जो भी उन्होंने 16 लाख रुपए या 15 लाख रुपए जो पॉलिसी निकाली है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वो 2018 में निकली है, जब मैंने वो सब बोला है बच्चों के लिए। मैंने ये बोला है कि विदेश में ये होता है, आप सब भी सुनिए, विदेश में क्या होता है, बच्चों को पहले राशि दी जाती है, पहले उनकी मदद की जाती है, बाद में इतना प्रसाद नहीं मिलता उनको, इतना वो नहीं करते पर पहले करते हैं। तो यही बात मैंने बोली थी कि जो मेरे साथ हुआ वो और बच्चों के साथ ना होए, वो करा जाए, और वो हुआ, मुझे छोड़ के सबको मिला वो। हाँ जी, नहीं, अभी तक ऐसा कोई वो नहीं हुआ, बल्कि मेरे से सवाल करे जा रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट किए जा रहे हैं, और मेरे पास फोन भी आ रहे हैं कि आप नहीं लड़े हो वहाँ से, हम सबूत दे देंगे, हम ये दे देंगे, हम नहीं, मैं ऐसे नाम नहीं ले सकती हूँ, पर लेकिन हाँ मेरे पास फोन आ रहे हैं। इस चीज के लिए फोन नहीं आया है कि दिव्या बेटा हमसे मिस्टेक हो चुकी है और हम आपके इतने तारीख को और इतने बजे हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, या हम आपको आपकी जो पिछली राशि बची हुई है। और दूसरा मुझे ये बात तो बहुत जरूरी बोलनी थी आप सबके सामने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे दिल्ली से भी पूरी राशि चाहिए और मुझे यूपी से भी पूरी राशि चाहिए, एक तरफ से राशि मिलती है, पर जैसे और खिलाड़ियों के साथ होता है, कितने खिलाड़ियों के साथ होता है कि जैसे वो दिल्ली में है तो उसे कुछ ना कुछ राशि 5 लाख 10 लाख 15 लाख उससे आधी या उससे 25% या उससे 10%, क्योंकि वो दिल्ली में रह रहा है, उसको वो राशि मिलती है।